मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, फिर मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज मैं आप लोगों के साथ अपना नीम ट्री शेयर कर रहा हूँ। ये नीम का जो है दरख्त है, आप देख सकते हैं मैंने इसे ज़मीन पर यहाँ लगाया हुआ है और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 4 फीट है और आप देख सकते हैं कि लीफ से भरा हुआ है। सर्दियाँ जब स्टार्ट ही हुई थी तो इसके लीफ शुरू में ही गिर गए थे, लेकिन फिर मैंने इसमें वाटरिंग का ख्याल रखा और उसके बाद जो है इसमें लीफ तकरीबन 1 से 1.5 महीना लगा और ये पूरा लीफ से भर गया और दोबारा इसमें लीफ्स आ गए हैं। और उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि ये न्यू ग्रोथ इसमें चल रही है और न्यू लीव्स इसमें अभी आते ही जा रहे हैं। ये ब्रांच आपको कटे हुई नज़र आ रही होगी, ये ब्रांच थोड़ी और जो है लंबी थी लेकिन सारे लीव्स गिर गए थे। उसके बाद ऊपर की जो 1 फीट की जो ब्रांच जो मैंने काट दी है वो सूखना शुरू हो गई थी, काली होना शुरू हो गई थी, तो जहाँ तक ये सेट थी वहाँ तक मैंने इसे काट दिया। और उसके बाद आप देखें कि लीव्स इसमें तेज़ी से आए और यहाँ से भी मैंने एक जो है ब्रांच काटी थी मैंने, तो इस तरह जो है ये मेरा नीम ट्री जो है अभी ग्रोथ कर रहा है और बहुत ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ हो रही है और न्यू लीव्स इसमें आ रहे हैं और इसकी शाखें भी जो है आप देख सकते हैं निकली है काफ़ी। पहले इसमें शाखें कम थी, अभी शाखें निकली है और वो भी बड़ी होती जा रही है। तो नीम का जो ट्री है ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। अभी इसे जब बाहर का मौसम मिलेगा और उसके बाद जब फुल गर्मियाँ भी मिलेगी तो इसकी ग्रोथ में तेज़ी से इजाफा होगा। ये 4 फुट से देखते ही देखते कब ये 6 और 8 फीट का हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मैं वक्तन फ़ौक्तन जैसे ही इसकी हाइट बढ़ती रहेगी आप लोगों के साथ में ये शेयर भी करता रहूँगा। अभी जब मैंने आपके साथ ये शेयर किया है, जनवरी है 2023 है और इसकी हाइट 4 फीट है। अब जब इसकी हाइट 5 से 6 फीट होगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरा एक अंदाज़ा है कि 5 से 6 फीट हाइट होने में कम से कम 4 से 6 महीना लग जाएगा। तो जैसे ही इसकी हाइट बढ़ना स्टार्ट होगी, आधा फुट या 1 फीट भी इसकी हाइट बढ़ती है और कोई न्यू शाखें भी निकलती हैं तब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। केयर इसकी बिल्कुल आसान है, इसे मैंने ज़मीन पर लगा दिया है और अभी सर्दियां हैं तो मैं इसे एक दिन छोड़ कर एक दिन पानी दे रहा हूँ और जिस जगह इसे प्लेस किया है यहाँ पे फुल धूप आती है। और अभी हाल ही में मैंने इसमें खाद भी ऐड की है, काउडंग मैंने इसमें ऐड किया है इसी जनवरी के स्टार्ट में। और काउडंग जो है नेचुरल खाद होती है और वो स्लो रिलीज़ होती है, तो सर्दियों में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केमिकल खाद जो होती है उसका फ़ौरन इफेक्ट पड़ता है, उससे जो है सर्दियाँ होने के वजह से लीव्स गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन काउडंग मैंने ऐड कर दिया है लेकिन इसका कोई असर अभी रिलीज़ होगा नहीं, तो सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। और नेक्स्ट मंथ जैसे ही बाहर का मौसम स्टार्ट होगा, जब तक खाद को इसमें ऐड हुए हुए तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो चुका होगा, तो खाद का असर भी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, बाहर का मौसम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर इसकी ग्रोथ में तेज़ी से इजाफा भी होना शुरू हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरा ये नीम का ट्री मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरी ये शेयरिंग आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आई तो इसके लिए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। चले, अल्लाह हाफिज़।